आप लोग इतने ज्यादा फेमस हो चुके हो कि आजकल अगर मैं इंटरनेट पे ऐसे बकरा टाइप करता हूँ तो अनुराग आपका फेस आ जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 70 के ऊपर। आपको मैं बता दूं, एक यूट्यूब कम्युनिटी से हमारा बंदा जा रखा है जो द UK07 नाम से जाना जाता है, और वैसे भी उसको बताने की तो लोड है नहीं, वैसे सब लोग जानते ही है जो बंदे की फैन फॉलोइंग है और जो बंदे का नेचर है, जो काम है, उसके हिसाब से सब लोग उसको जानते हैं। तो बिग बॉस 70 में वो बंदा गया और यूट्यूब कम्युनिटी के जो कुछ क्रिएटर है उन लोगों ने क्या करा, उस भाई का मजाक बना रखा है जोकर नाम से। भाई को जोकर बता देते हैं कोई भी। अब चार लोग बैठते हैं तो हंसी मजाक तो चलता है, किसी न किसी की बजती भी है, तो उसमें क्या करते हैं वो बंदे मेम्स उठा के उसको जोकर का मेम्स बना देंगे, उसका जोकर बता रहे भाई को। मगर उन लोगों को ये नहीं पता कि वो यूट्यूब कम्युनिटी से एक हमारा मेंबर है, और ये बाई चांस जो बंदे रील बना रहे हैं जोकर की, उनको बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है। तो आगे जाके क्या मतलब, क्या कम्युनिटी एकदम बेकार हो जाएगी हमारी? जो यूट्यूब कम्युनिटी है वो किसको सपोर्ट करेगी जब हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसे हमारे साथ करेंगे? तो इस चीज़ें मैं ये कहना चाहता हूँ, और जो द UK07 को वो हमारे कम्युनिटी के लोग जो जोकर बता रहे हैं, तो वो जोकर उनका बताना एक ठीक है, मगर वो मजाक ही नहीं उड़ाना चाहिए जो उस बंदे का मजाक बना रखा है बाहर। वो बंदा तो बिग बॉस में है, उसे क्या पता भाई कि बाहर क्या चल रहा है। जो बाहर कम्युनिटी है, ब्रोसेना है और भी कम्युनिटी के मेंबर है द UK07 के, तो उन्हें पता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो वो बंदों ने सब मतलब इतने क्रिएटर ने मजाक बना रखा है, वो बंदे भी जोकर बनके अब खुशियाँ बांट रहे हैं। जोकर का काम क्या होता है? खुशियाँ बांटना। उनके मैंने ब्लॉग देखे थे, उन्होंने यही बात बोली कि जोकर का काम होता है खुशियाँ बांटना। तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, मास्क पहन के। मगर उस मास्क के पीछे मैं एक रीज़न बता देता हूँ, लोग उसको जोकर भी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले जब UK07 ने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा था, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने पुराने व्लॉग देखे होंगे ब्रोसेना से मैं बताता हूँ, और भी लोगों ने जितना UK07 के पुराने व्लॉग देखे होंगे आज से 3-4 साल पहले, तो क्या था, BKD बाबा नाम से तुम जानती होगी जिन्होंने वीडियो देखी होगी। तो BKD बाबा क्या करते थे, आपको एक मैं चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो मार्क्स देख रहे हो ना आप गाइस, इस बंदे ने UK07 ने इस मार्क्स से शुरुआत करी थी, जो आप ये देख रहे हो जोकर वाला मार्क, जो कि BKD बाबा के नाम से जाना जाता है। शुरू के जितने भी वीडियो है वो बंदा BKD बाबा से पूछ के मतलब ऐसे वीडियो बनाता था। तो आज कोई चीज़ लोगों ने उसका एक मजाक बना दिया है, मगर कंटेंट के ऊपर ये चीज़ें मजाक में नहीं चलती। आगे जाके बंदे का ऊपर क्या हो सकता है, मतलब बंदा डिप्रेशन में भी जा सकता है इससे कि भाई बंदों ने, लोगों ने, हमारे कम्युनिटी के मेंबर ने ये क्या कर रखा है। तो मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उन सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि UK07 को भाई हमारा कम्युनिटी का मेंबर है वो, तो उसको सपोर्ट करो, उसके खिलाफ अगेंस्ट ना जाओ, उसे जोकर ना बताओ। अगर जोकर बता भी रहे हो तो मजाक के मेम्स ना बनाओ भाई, क्योंकि जोकर कोई बुरी चीज़ नहीं है, वैसे नाम भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर जो उस बंदे की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, खिल्ले उड़ा रखी है, तो वो चीज़ बेकार है। और UK07 की सपोर्ट में हम खड़े हैं। हम चंडीगढ़ से मैं हूँ, तो मैं चंडीगढ़ से जितने भी और मेरे राइडर बंदे हैं उन सब से मैंने बोल रखा कि हमने द UK07 अपनी कम्युनिटी के मेंबर को सपोर्ट करना है, और मैं कर भी रहा हूँ, क्योंकि लोगों तक मैं ज़्यादा बात बता नहीं सकता, मगर जो सच्चाई है वो वीडियो के थ्रू। और अब मैं जितने भी बिग बॉस कम्युनिटी के ऊपर, बिग बॉस 70 के ऊपर है वो, और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, लोगों को बताने वाला हूँ UK07 के बारे में। और वो बंदा मतलब कि जब बिग बॉस में एंटर कर रहा था, तो उसने आने से पहले अंदर बोल दिया था कि मैं अपनी सारी बिग बॉस की जितनी भी इनकम होगी वो सब मतलब द UK07 फाउंडेशन में डोनेट करूँगा। तो वो चीज़ भी मतलब देखनी चाहिए आप सब लोगों को,
ये बंदा ने क्या बोला है, अगर वो नहीं करता ये सब चीज़ें तो आपका मतलब बनता है उस पर हेट करना वगैरह। और UK07 के स्पोर्ट में सारे जने उतरो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और कम्युनिटी को बेकार मत करो भाई मेम्स बना के। मैं जितने भी यूट्यूबर हैं जो मेम्स बना रहे थे UK07 के ऊपर, तो उन सब लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है वो आगे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। और क्योंकि LVC यादव के टाइम पे जो कम्युनिटी ने सपोर्ट दिखाया था, वैसे सपोर्ट अब द UK07 की तरफ भी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जो वो बंदा है वो हमारी कम्युनिटी का मेंबर है और एक सपोर्टर है, क्रिएटर है, वो भी अच्छा खासा। तो सारे लोग ना मतलब उसके सपोर्ट में उतरो, अगेंस्ट ना जाओ। कोई मेम्स बना रहे तो खतरनाक मेम्स बनाओ, जोकर बना रहे तो जोकर बनाओ, मगर मजाक ना उड़ाओ बंदे का के मेम्स पे कोई पॉइंट पे। क्योंकि भाई चार लोग बैठते हैं तो मजाक तोड़ता ही है किसी ना किसी का, तो वो चीज़ ना मेम्स करो। और बनाओ रील्स वगैरह, सब क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखे सारे जने अपना काम करो। तो यही चीज़ आप सबसे कहना चाहता था मैं, क्योंकि द UK07 के ऊपर इतना जो मैं रील्स वगैरह देख रहा हूँ, तो आज से ये मार्क्स है जो कि अगली जितनी वीडियो मैं बनाऊँगा तो मैं भी जोकर बन के सारी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जोकर का काम है खुशियाँ बांटना, और द UK07 ने यहीं से शुरुआत करी है, तो हम भी उसकी सपोर्ट में अब ये मार्क्स पहनेंगे। क्योंकि कम्युनिटी के मेंबर हम भी ब्रो सेना में ऐड हैं, तो ब्रो सेना का फर्ज तो बनता ही है गाइस पे इतना कुछ करने का। तो गाइस यही यही सब कहना था मैंने आपसे, क्योंकि स्पोर्ट में उतरो, कम्युनिटी को बेकार ना करो। तो जिन्होंने भी लोग ये देख रहे हैं तो समझ आ गई होगी आप सबको बात मेरी, तो धन्यवाद आप सबका।